जब कुछ बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, तो हमने शुरू तो कर दिया था कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एडवांस थोड़े से इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, थोड़े से इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, बट जो टेक्निकल क्वेश्चन होता है थोड़ा दिमाग लगाने वाला होता है, जब कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस एक साथ आ जाए तो क्या होगा। तो अभी हमने क्या चीज को हैंडल करना सीख लिया है कि अगर कॉल्स इन एरियर्स हैं तो क्या होगा। कॉल्स इन एरियर्स में ऑप्शन होता है आपके पास बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स। बेटर रहता है बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स, ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा टेक्निकल। और इन रियल लाइफ भी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट सेपरेटली शो होता था। आज की डेट में तो ये सब ऑब्सोलीट कॉन्सेप्ट्स हैं। क्यों? क्योंकि आज की डेट में लमसम पैसा मांगा जाता है, जितने पैसे हैं एक ही बारी में सारे। तो पार्ट्स में जब पैसे ही नहीं मांग रहे तो एरियर्स होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सब थोड़े से आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है, बट थियोरेटिकली अभी भी एग्जिस्ट करता है, स्कूल में भी कॉलेज में भी, भगवान जाने क्यों, बट है। ठीक है ना, ध्यान से देख, मतलब कॉल्स इन एरियर्स और कॉल्स इन एडवांस ध्यान से देखेंगे। कॉल्स इन एडवांस हम पार्ट्स में पैसे मांग रहे हैं, मैंने आपको बोला एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल। आपने कहा अरे बार बार ना मेरे से टाइम वेस्ट मत करो, आप बताओ टोटल कितना है, पकड़ो पूरे साल की फीस एक साथ ले लो, अपने आप एडजस्ट करते रहना जब जब वो स्टेज ड्यू होगा। तो एप्लीकेशन के साथ ही किसी ने पूरे पैसे दे दिए, या अलॉटमेंट के साथ दे दिए, या कॉल के साथ दे दिए। कॉल्स इन एडवांस मतलब वो पैसे भी दे दिए जो अभी ड्यू नहीं थे, तो कंपनी के पास पैसा एडवांस में आ गया, कॉल्स इन एडवांस। कंपनी के लिए वो एक लायबिलिटी है, कंपनी के लिए वो एक लायबिलिटी है, क्योंकि अभी वो स्टेज आया नहीं है और ये पैसे आप कहीं और यूज नहीं कर सकते जब तक, मतलब इतनी आपकी लायबिलिटी खड़ी रहेगी जब तक वो स्टेज आना जाए। तो फायदा ही क्या हुआ फिर? कंफर्मेशन है, एक तरह से सिक्योर हो गए आप कि वो टेंशन तो नहीं है ना कि पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, पैसे तो आ चुके हैं, पैसे तो आ चुके हैं। तो आप एज अ कंपनी तो डेफिनेटली एक एडवांटेज पे हैं, ज्यादा सिक्योर्ड है आप, कि आपको कोई टेंशन नहीं है अब कि वो पैसे आएंगे, क्योंकि एरियर्स भी तो हो सकते थे आगे जाके कि फर्स्ट कॉल दे दी, सेकंड कॉल नहीं दी, हो गए एरियर्स, तो एडवांटेज है कंपनी के, तो कंपनी खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगी कि हाँ जी हाँ प्लीज दे दें एडवांस में। इफ द मनी इज रिसीव्ड बिफोर इट हैज बीन कॉल्ड फॉर, कॉल्ड फॉर मतलब वो स्टेज ड्यू होना, उससे पहले अगर पैसे आ जाएं तो उसे बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, इट विल बी ट्रांसफर टू अ सेपरेट अकाउंट। इट इज ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी एंड देयरफॉर इट हैज अ क्रेडिट बैलेंस, कंपनी के लिए एक लाइबिलिटी है। और बैलेंस शीट में कहाँ शो करते हैं? बैलेंस शीट में करंट लाइबिलिटीज में एक सब हेड होता है अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर शेयर कैपिटल में नहीं आता, ये ध्यान देंगे, बी वेरी वेरी केयरफुल, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऐसा लगता है ना शेयर से सारे रिलेटेड चीजें तो भैया शेयर कैपिटल में आती होंगी। हाँ सब कुछ इसको छोड़ के, कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में आता ही नहीं है, कॉल्स इन एरियर्स आता है शेयर कैपिटल में, सब्सक्राइब कैपिटल में एज अ डिडक्शन। कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में आता ही नहीं है, कहाँ पे आता है? सेपरेटली, क्योंकि वहां तो शेयर कैपिटल कहाँ है? शेयर होल्डर्स फंड्स में शेयर कैपिटल। करंट लाइबिलिटीज अलग से होती हैं, शेयर होल्डर्स फंड्स अलग, नॉन करंट लाइबिलिटीज अलग, करंट लाइबिलिटीज अलग। करंट लाइबिलिटीज मेजर हेड, सब हेड अदर करंट लाइबिलिटीज, उसके अंदर आता है कॉल्स इन एडवांस। मीनिंग एंड प्रेजेंटेशन, कोई डाउट? छोटे से एग्जांपल से समझ भी आ जाएगा, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई वो नहीं होता ऑप्शन कि कॉल्स इन एडवांस खोलें कि ना खोलें, बिल्कुल खोलना ही खोलना है। एरियर्स में ऑप्शन है, इसमें ऑप्शन नहीं है। डीसीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, अमाउंट पेबल 20, 35, 25, 20, 45, 70, 50, 70, 90, हाँ जी 100 पूरे हैं, ठीक है जी। तो मतलब शेयर्स आर इशूड एट पार, शेयर्स में भी इशूड एट प्रीमियम, तो हमेशा टोटल कर लेना चाहिए कि फेस वैल्यू से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैच कर रहा है तो शेयर्स हैव बीन इशूड एट पार, ज्यादा है तो मतलब शेयर्स हैव बीन इशूड एट अ प्रीमियम। और अगर कुछ मेंशन नहीं है कि प्रीमियम कौन से स्टेज पे एडजस्ट होगा, तो प्रीमियम कौन से स्टेज पे एडजस्ट होगा? अलॉट,
अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि प्रीमियम कौन से स्टेज पे एडजस्ट होगा, तो प्रीमियम अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा। अक्षिता होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड द एंटायर अमाउंट ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। सिर्फ अक्षिता, टोटल शेयर्स थे 1 लाख, अक्षिता ने 20,000 शेयर्स पे अलॉटमेंट के साथ बाकी पैसे भी दे दिए। तो आप ध्यान से देखना इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी। तो एप्लीकेशन से कोई लेना देना? एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं हुआ अलग, एप्लीकेशन एक नॉर्मल स्टेज रहा। तो एप्लीकेशन के जर्नल एंट्री क्या होगी? कलर चेंजेस टू येलो। बताओ बेटा एप्लीकेशन की जर्नल एंट्री। तो जर्नल इन द बुक्स ऑफ डीसीसी लिमिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू। कुछ स्पेसिफाइड है इक्विटी शेयर्स हैं? नहीं है। कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स हैं, वरना हम क्या लिख सकते हैं? टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी, नरेशन बस मैं एक लिख के दिखा रहा हूं, उसी के हिसाब से आपको बाकी लिखनी है। तो एप्लीकेशन मनी ऑफ, बताना पड़ता है कि कितने रुपए, 20 पर शेयर रिसीव्ड ऑन कितने शेयर्स? 1 लाख शेयर्स। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑफ 20 पर शेयर रिसीव्ड ऑन 1 लाख शेयर्स, 1 लाख के शेयर्स थे ना, तो कितने रुपए आए? 20 लाख। कोई भी डाउट अभी तक? कोई डाउट? नेक्स्ट एंट्री क्या होती है? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। बीइंग लिखना जरूरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। आप बीइंग भी लिख सकते हैं ना, बीइंग एप्लीकेशन में रिसीव, बीइंग अलॉटमेंट। बीइंग लिखना मैंडेटरी नहीं होता, आप लिख सकते हैं। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। वेट आउट। अब अलॉटमेंट मनी जब ड्यू हुई तो क्या आपको पता था कि आपको एडवांस मिलने वाला है? नहीं। तो ड्यू की एंट्री अफेक्ट नहीं हो रही है एडवांस से, तो ड्यू तो आपने जितने बनते थे उतने ही मांगे, तो ड्यू की एंट्री है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹35 ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स, तो ड्यू कितनी थी? 35 लाख। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इजी। बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्या मिला? टू अलॉटमेंट के पैसे तो मिले ही मिले, एक्स्ट्रा क्या मिला? वो कहाँ चला जाएगा? टू फॉल्स इन एडवांस। अलॉटमेंट मनी कितनी मिली, उसमें कोई एरियर्स हैं? नहीं। एक्स्ट्रा पैसे कितने मिले? अक्षता ने 20,000 शेयर्स पे कितने एक्स्ट्रा दे दिए? बताओ बेटा अक्षता। ₹100 एक्स्ट्रा दे दिए, ₹20 दे दिए, या कोई और अमाउंट? कितने रुपए एक्स्ट्रा दिए 20,000 शेयर्स पे? आप पर शेयर मुझे बताएं, हम टोटल बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। 45 या 80? एडवांस में कितना जाएगा, 45 पर शेयर या 80 पर शेयर? नो आइडिया। एडवांस में मिला है क्या मुझे? एडवांस में लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। अक्षता होल्डिंग 20,000 शेयर्स पेड दी एंटायर अमाउंट ड्यू अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। हाँ तो सर, जितने भी अलॉटमेंट पे बनते थे ना, उसने सारे दे दिए। एक इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है, अलॉटमेंट मनी पे जितने भी ड्यू थे उसने सारे दे दिए, या फिर अलॉटमेंट मनी के साथ उसने सारे पैसे ही दे दिए जितने भी बाकी थे। तो ये सेकंड है कि अलॉटमेंट मनी के साथ अलॉटमेंट दे दी, तो उसके लिए तो भाई अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट तो देंगे ही ना, तो इसके लिए अलग से क्या डिस्क्लेमर देना? एंटायर अमाउंट ड्यू मतलब अलॉटमेंट के साथ साथ उसने फर्स्ट कॉल भी दे दी,
और सेकंड कॉल भी दे दी, तो भाई साहब एक्स्ट्रा कितने मिले पर शेयर? एक्स्ट्रा कितने मिले? 80 दिए, बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन 80 तो टोटल दिए, जिसमें से 35 तो देने ही थे, एक्स्ट्रा कितने दिए? 45। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल उसने साथ में दे दी, ये एक्स्ट्रा दिए उसने, तो 20,000 पे 45 रुपीज पर शेयर, तो 45 × 2 90 तो कितने रुपए हो गए? 9 लाख। 45 × 2 90, ठीक है, 9 लाख रुपीज एक्स्ट्रा मिल गए। कोई भी डाउट? अब मजा आएगा इसको यूज अपोर्शनमेंट के, एडवांस तो आ गया, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ लायबिलिटी शोर अंडर अदर करंट लायबिलिटीज। अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, बहुत ही मजेदार। यहां तक क्लियर है सब? साथ हैं? पैसे टोटल आए कितने? 44 लाख। पैसे कितने आए, मतलब 35 लाख अलॉटमेंट के, एक्स्ट्रा आए 9 लाख, पैसे आए कितने? 44 लाख। कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट। अब आई फर्स्ट कॉल की बारी, अब आई फर्स्ट कॉल की बारी, इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब जब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई, फर्स्ट कॉल कितनी है? 25 रुपीज पर शेयर। तो अब जब ड्यू हुई तो हम 1 लाख शेयर्स पे दिखाएंगे या 80,000 शेयर्स पे? 1 लाख, 80, 1 लाख, 1 लाख, 80, 1 लाख, 1 लाख। मेजोरिटी सेज 1 लाख, द करेक्ट आंसर इज ऑल्सो 1 लाख सर, लेकिन वो पैसे तो मिल गए। ड्यू, आप जब ड्यू दिखाते हैं तब आप उसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, आपने तो फर्स्ट कॉल अभी ड्यू ही नहीं करी, मिल गए यस, बट अभी शेयर कैपिटल तो क्रेडिट नहीं हुआ उतने से, आपकी फेस वैल्यू तो कम आ रही है अभी। अब फर्स्ट कॉल ड्यू हुई है तो ड्यू पूरे अमाउंट से ही आएगा, ड्यू पूरे अमाउंट से ही आएगा, तो एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल फुल वैल्यू। बात समझ आई? फुल वैल्यू, तो फुल वैल्यू मतलब कितने शेयर्स हैं? 1 लाख, और कैपिटल फर्स्ट कॉल कितनी है? 25, तो 25 लाख ड्यू पूरे हुए, तभी तो आपकी कैपिटल में गए वो, कह रहे अब हैं ड्यू, मांगे तो थे, ड्यू तो पूरे हुए, बट क्या अक्षता फर्स्ट कॉल दोबारा देगी? नहीं देगी, वो तो ऑलरेडी दे चुकी है। प्लीज इग्नोर द मैसेज इफ ऑलरेडी पेड, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अब कंपनी एडजस्ट कर लेगी। तो एंट्री क्या करेगी कंपनी, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिटेड, जो एडवांस पहले से आया हुआ है वो अब एडजस्ट हो जाएगा, जो एडवांस पहले से आया हुआ है वो अब एडजस्ट हो जाएगा, किसके अगेंस्ट? शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल कितनी है? 25 लाख रुपीज, बट 20,000 शेयर्स पे 25, 5 लाख रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो अब कितने मिलेंगे? 20 लाख। कोई भी डाउट? इजी, ऐसी सेकंड कॉल हो जाएगी, बट ध्यान क्या रखना है, सेकंड कॉल में क्या लिखेंगे? शेयर सेकंड एंड फाइनल, जो लास्ट होती है, अगर फर्स्ट ही है तो फर्स्ट एंड फाइनल, सेकंड है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल। कितने रुपए हैं? 20 रुपए, तो 20 लाख रुपए। बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड टू शेयर, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितनी थी?
20 लाख, 20 रुपीज ना, 4 लाख। कोई भी डाउट? अब ये आसान था तो बिना वर्किंग नोट के भी कैलकुलेशन हो सकती है, बट बड़ा बेसिक सा वर्किंग नोट होता है, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन अगर कॉम्प्लिकेट होगा तो पता तो होना चाहिए ना कि कैलकुलेट हुआ कैसे था। बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन। एक ये दिखा रहा हूं कि हाँ, ये वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 3, चलो थोड़ा ब्यूटीफाई कर देता हूँ। मतलब स्किप नहीं होगा वो ना, आपकी नजर से निकलेगा नहीं। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 और वर्किंग नोट नंबर 3। ध्यान से देखेंगे, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो ये चीज मैंने कैलकुलेट करी थी, मैंने मेंटली करी थी, बट कैसे करी? बहुत बेसिक सी चीज है, कैलकुलेशन ऑफ मनी, अलॉटमेंट पे कितने पैसे मिले। कह रहे मिलने कितने चाहिए थे, कह रहे कितने शेयर्स हैं, मैंने कहा 1 लाख। कह रहे अलॉट मनी है कितनी, 35 रुपीज, तो 1 लाख। कोई एरियर्स हैं क्या? नहीं है, तो 35 लाख तो मिलने ही चाहिए थे, एक्स्ट्रा कितने मिले वो ऐड कर दो। कॉल्स इन एडवांस, अक्षता को जोश चढ़ा, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी साथ में दे दी, तो उसने एक्स्ट्रा कितने दे दिए, 45 रुपीज, तो उसने एक्स्ट्रा कितने दे दिए, 9 लाख रुपीज, तो टोटल पैसे कितने आए, 44 लाख रुपीज। तो मनी रिसीव्ड कैसे कैलकुलेट हुई? मनी ड्यू प्लस कॉल्स इन एडवांस। इजी कैलकुलेशन, मनी रिसीव्ड, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, मनी ड्यू कितनी थी, कह रहे 1 लाख शेयर्स हैं, कह रहे फर्स्ट कॉल है कितने की, 25 रुपीज, तो 25 लाख रुपीज मिलने चाहिए थे। कह रहे कुछ पैसे तो ऑलरेडी मिल गए, दोबारा थोड़ी ना देंगे। कॉल्स इन एडवांस ऑलरेडी रिसीव्ड, ये इसलिए बस लिख रहा हूं कि ऊपर कॉल्स इन एडवांस और ऐड हो रहा है या माइनस हो रहा है हमें कैसे। अरे तो जब आपको एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं तो ऐड होगा, अब एडजस्टमेंट हो रही है तो माइनस होगा, तो कितना था, 20,000 पे 25, 5 लाख रुपीज, तो कितने पैसे मिले, 20 लाख, इसीलिए बैंक में 20 लाख गए। ऐसे सेकेंड कॉल हो जाएगा, मनी ड्यू माइनस एडवांस ऑलरेडी रिसीव्ड। शेयर्स बहुत इजी है, बट ना लेवल अप होता जाएगा, तो लेवल अप होता जाएगा, फील उसको होगा जो साथ साथ नहीं कर रहा, उसको ज्यादा फील होगा, फील तो आपको भी होगा, बट उसको कहीं ज्यादा फील होगा जो कंसिस्टेंट नहीं है। जो कंसिस्टेंट है ना, वो यार 90% तो मुझे ऑलरेडी आता था, 10% उस चीज में ऐड हो गया, एट अ टाइम 10% ही ऐड हो रहा होगा, एट अ टाइम 10% ही ऐड हो रहा होगा, बट ऐड होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, तो वो बच जाएगा जो साथ साथ कर रहा है, वो उड़ जाएगा, उड़ जाएगा मतलब वो शेयर्स के क्वेश्चंस कर ही नहीं पाएगा आगे के, जो साथ साथ नहीं कर रहा। वार्निंग या डिस्क्लेमर, जो मर्जी समझ लो, ठीक है ना। मैंने महीना बर्बाद होते हुए देखा है हर साल, कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंटली हर साल कुछ बच्चे अपना पूरा महीना बर्बाद कर देते हैं, एक महीने के बाद वो शेयर्स के क्वेश्चंस नहीं कर पाते हर साल, बट वो 30% ऑफ द क्लास होती है, वो 30% वही होती है जो अपना काम साथ साथ नहीं करते हैं। तो आपको देखना है कि इतना बड़ा रिस्क आप ले सकते हैं, मतलब इतना अफोर्ड कर सकते हैं एक महीना बर्बाद करना कि नहीं, कंप्लीटली और कौन।
मैं तो बड़े आराम से चल रहा हूँ और इसी पेस में चलूंगा, और इस पेस पे ना समझ आना डाउटफुल होगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं डाउट्स भी मतलब जो था ना अटके करे मैं बड़े आराम से चलूंगा, सो दैट वी डोंट हैव टू डू इट अगेन, वी कांट डू सच अ बिग चैप्टर अगेन, इट इज नॉट पॉसिबल। मैं चाहूंगा कि खत्म करने के बाद हम पार्टनरशिप को दोबारा कर रहे हैं, ठीक है ना, बट जो चीज अभी कर रहे हैं उसको तो अभी ढंग से क्लोज कर लो, क्योंकि कंपनी के बाद फिर एनालिसिस होगा, फिर जब रिविजन भी शुरू होगी तो पहले पार्टनरशिप होगी, फिर पार्टनरशिप मतलब, तो देर इज अ मेजर पॉसिबिलिटी कंपनी अकाउंट दोबारा नहीं होगा, होना भी क्यों चाहिए, ठीक है ना, तो अभी से मतलब दूसरे बैच में होगा, बट आपके पास क्या इतना टाइम है कि पहले आप स्कूल में पढ़ें, फिर आप एक बैच में पढ़ें, फिर आप दूसरे बैच में पढ़ें, योर कॉल, मैं तो ऑप्शन दूंगा, बट बहुत बड़ी बेवकूफी करेंगे अगर फर्स्ट टाइम ही ढंग से ना करें। बहुत आसान चीजें हुई हैं अभी तक, अभी तक कुछ भी नहीं मिस हुआ है, मतलब एक दिन भी छोड़ छाड़ के अगर बैठ जाओगे ना 6 घंटे में सब निपट जाएगा, जितना भी मैंने कराई जानबूझ के उतना ही था कि बहुत बेसिक्स टच करें, लेकिन नेक्स्ट क्लास में फॉर फ्यूचर शुरू हो जाएगा, तो वहां से कहानी मजेदार होगी, दिमाग लगेगा, बट वो वही कर पाएगा जिसका उसके पहले का फंडा क्लियर है, तो बी केयरफुल।